हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता ही है कि अपने टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब पर एक वोटिंग करवाई थी और आपसे पूछा था कि आप एग्ज़ाम से पहले आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हो, एग्रीकल्चर बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड किस प्रकार की वीडियो चाहते हो। तो लगभग 50% जो स्टूडेंट हैं उन्होंने बोला कि वीडियो होनी चाहिए रिविजन से रिलेटेड, ठीक है, और लगभग 50% स्टूडेंट ने बोला कि जो वीडियो हो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड हो, महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित वीडियो होनी चाहिए। तो अपने अब क्या करेंगे कि अपने अब दोनों प्रकार की वीडियो ही आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जो आने वाले 10-12 दिन हैं, 10-12 दिनों के अंदर अपने जो आपका कंप्लीट रिवीजन है और सभी लेसनों के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनसे संबंधित आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। आज अपने इस वीडियो के अंदर जो आपका फर्स्ट लेसन है उस पहले लेसन से लेकर और जो फोर्थ लेसन है इन चार लेसन के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, या आपने बोले कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू, उन पर अपने डिस्कस करेंगे। इन चार लेसन के अंदर मैंने लगभग आपके 26 एमसीक्यू बनाए हैं। इन 26 एमसीक्यू के बाहर एग्जाम के अंदर, फाइनल एग्जाम के अंदर एक भी एमसीक्यू बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। जो बहुचयनात्मक क्वेश्चन आएंगे आपके इस बार काफी सारे, यदि आप इन 26 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ लेते हो और कॉपी में लिख लेते हो तो इनसे बाहर एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके सभी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो ये कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपके सामने फोटो शो हो रही है जिसमें सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कि इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है लेसन एक से लेके लेसन फोर्थ तक, और फिर यहाँ पर एक वेबसाइट भी आपको शो हो रही है माई नोट्स 2002.blogspot.com। इस वेबसाइट पर आप विजिट करोगे तो आपको और भी अच्छे अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब अपने पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेंडल के वंशागति नियम की पुनः खोज किसने की। यहाँ पे थोड़ी सी गलती है कि मेंडल के वंशागति नियम के पुनः खोज कब हुई थी, तो पुनः खोज कब हुई थी 1919 में, ठीक है। ये अपने वीडियो में भी डिस्कस किया था जब अपने इस लेसन को समझा था कि मेंडल के जो वंशागति वाले नियम थे, अनुवांशिकी वाले नियम थे, उनकी पुनः खोज कब हुई थी 1919 में, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि कपास की प्रथम संकर किस्म का क्या नाम था, कि कपास की जो प्रथम हाइब्रिड वैरायटी थी उसका नाम था H4। थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में जनन द्रव्य को एकत्रित व संरक्षित करने की जिम्मेदारी किस संस्था की है, तो संस्था का नाम क्या है, NBPGR। यहाँ पर आपने NBPGR नाम के साथ साथ याद क्या रखना है, इसकी फुल फॉर्म और इसका सेंटर कहाँ पर है। सेंटर इसका कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर, और फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। फोर्थ क्वेश्चन है कि किसी पौधे का नए परिवर्तित वातावरण के प्रति अभ्यस्त होना क्या कहलाता है, ठीक है, तो क्या कहलाता है भाई, अनुकूलन, कि जब अपने किसी पौधे को एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह पर बोते हैं तो उसे अपने क्या बोलते हैं, अनुकूलन। फिफ्थ क्वेश्चन है कि आयातित पादप बाग का रोग कीट व खरपतवार से मुक्त होना सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो जब अपने कोई बाहर से अपने कोई पादप का बाग मंगवाते हैं तो उसमें अपने जब चेक करते हैं कि इसके साथ कोई पादप रोग ना हो, कोई रोगजनक ना हो, तो इसकी चेकिंग को अपने क्या बोलते हैं, संगरोध, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वारंटाइन। छठा क्वेश्चन है कि उद्गम केंद्र के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो वैज्ञानिक है वेविलो। साथ साथ आप अपनी कॉपी में इन क्वेश्चन को लिखते रहना क्योंकि एग्जाम टाइम में बिल्कुल ये आपके काम आएंगे। सातवां क्वेश्चन है कि परागकण के विकसित होने से पहले परागकोष को पुष्प से बाहर निकालना क्या कहलाता है, विपुंसन। अपने संकरण में पढ़ते हैं कि विपुंसन क्या होता है, तो परागकणों के विकसित होने से पहले परागकोष को पुष्प से बाहर निकालना विपुंसन कहलाता है। आठवां क्वेश्चन है कि प्रतीप संकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले जनक को कहते हैं, तो जनक का नाम होता है आवर्ती जनक। दो प्रकार के होते हैं, एक आवर्ती एक अनावर्ती, लेकिन जिसका प्रतीप संकरण में उपयोग करते हैं वो होता है आवर्ती। नौवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, म्यूटेशन शब्द मतलब उत्परिवर्तन,
म्यूटेशन शब्द किसने दिया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है ह्यूगो डीब्रीज ने। 10वां क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आया हुआ है एक बार, कि स्वतः उत्परिवर्तन की दर कितनी होती है? तो 10^-7 से 10^-4। 11वां क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों का द्विगुणन, मतलब गुणसूत्रों को डबल, गुणसूत्रों का द्विगुणन किस रसायन के उपचार द्वारा किया जाता है? तो आपने कोशिका विभाजन में भी पढ़ा होगा, कॉल्चिसिन। रसायन कौन सा है? कॉल्चिसिन। 12वां क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एक बार नेट के एग्जाम में भी आया था, बीएससी में भी आता है। तो मानव निर्मित प्रथम बहुगुणित धान्य फसल है ट्रिटिकेल। ठीक है, 13वां क्वेश्चन कि 2n+2 किस अवस्था को दर्शाता है? एक बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि 2n+2 किस अवस्था को दर्शाता है? तो ये किसे दर्शाता है? असुगुणिता। या तो ऑप्शन में क्या होगा, असुगुणिता, या असुगुणिता का एक प्रकार होता है अधिगुणिता, या अधिगुणिता का ही एक प्रकार होता है द्विअधिसूत्रता। आपको ऑप्शन में तीनों में से कोई एक मिलेगा। ठीक है, तीनों एक साथ नहीं मिलेंगे, तीनों में से कोई एक मिलेगा। फिर है गेहूं है, मतलब गेहूं किस प्रकार का पौधा है? तो गेहूं किस प्रकार का पौधा होता है? पर बहुगुणित। 15वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि जो एक्स किरणें हैं उनसे उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है। तो एक्स किरणों के इस उत्परिवर्तजनी प्रकृति के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, कि एक्स किरणों के अंदर ये गुण पाया गया है? तो किसने बताया था भाई? मूलर ने। 16वां क्वेश्चन दूसरे लेसन से आया है, कि भारत में पराग संवर्धन किसके द्वारा किया गया? तो भारत में पराग संवर्धन किसके द्वारा किया गया? गुहा व माहेश्वरी के द्वारा किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कि एक पूर्ण शक्त कोशिका होती है, मतलब एक पूर्ण शक्त कोशिका कौन सी होती है जिससे संपूर्ण पादप का निर्माण हो सके, जो संपूर्ण पादप का निर्माण करने में सक्षम होती है उसे अपने बोलते हैं पूर्ण शक्त कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि रोगयुक्त पादप से रोगमुक्त पादप को विकसित करने के लिए कौन सा संवर्धन किया जाता है? तो कौन सा संवर्धन किया जाता है? परोशीर्ष संवर्धन, या आपने लिख सकते हैं विभिजोतक संवर्धन। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, कि पादप भ्रूण संवर्धन की शुरुआत किसने की? तो पादप भ्रूण संवर्धन की शुरुआत किसने की थी? हैनिंग ने, वैज्ञानिक है हैनिंग। 20वां क्वेश्चन है, कि विभिजोतक संवर्धन के लिए पौधे का कौन सा भाग काम में लेते हैं? अभी अपने देखा था कि रोगमुक्त पौधा यदि अपने तैयार करना है तो अपने करते हैं विभिजोतक संवर्धन, और विभिजोतक संवर्धन के लिए पौधे का कौन सा भाग अपने काम में लेते हैं? तने का शीर्षस्थ या कक्षस्थ भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21वां, कि फसलों को सर्वाधिक क्षति मतलब हानि सफेद लट की किस अवस्था से होती है? सफेद मतलब सफेद लट की किस अवस्था से होती है? तो तीसरी अवस्था से सबसे ज्यादा हानि होती है। फिर 22वां क्वेश्चन आता है, कि टिड्डी किस प्रकार की भूमि में अंडे देना पसंद करती है? तो आपका आंसर क्या होगा? बलुई मिट्टी। 23वां क्वेश्चन क्या कहता है, कि राष्ट्रीय महत्व का सर्वव्यापी नाशी कीट है। तो राष्ट्रीय महत्व का सर्वव्यापी नाशी कीट है, आप लिख सकते हो सफेद लट। आपका आंसर क्या होगा? सफेद लट। 24वां क्वेश्चन है, कि टर्मेटेरिया किसका निवास स्थल है? दीमक का। दीमक को अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्माइट। और ये कहाँ पर रहते हैं? टर्मेटेरिया इनके निवास स्थल को कहते हैं। 25वां क्वेश्चन है, कि कीटों का शरीर वास्तव में कितने खंडों से मिलकर बना होता है? तो कीटों का शरीर 20 खंडों से मिलकर बना होता है। 26वां क्वेश्चन है, कि कीटों में उत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो कीटों में जो उत्सर्जन होता है वो मेलपिगी के द्वारा होता है। 27वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कीटों के बाह्य कंकाल के रूप में किसका आवरण होता है, मतलब कीटों का जो बाह्य कंकाल है वो किसका बना होता है? काइटीन का बना होता है। फिर 28वां क्वेश्चन, कि किस कीट को गुलाबी सुंडी के नाम से जाना जाता है? तो गुलाबी सुंडी के नाम से किस कीट को जाना जाता है? गेहूं का तना छेदक। ठीक है, ये जो कीट है इसे अपने गुलाबी सुंडी के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है फंदा फसल का प्रयोग किया जाता है, तो फंदा फसल का प्रयोग अपने क्यों करते हैं? कीटों को आकर्षित करने के लिए। 20वां क्वेश्चन, कि चूहों में विष शंकालुता किसके प्रति उत्पन्न होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड के कारण चूहों में जो विष शंकालुता है वो उत्पन्न होती है। 21वां क्वेश्चन है, कि सामान्यतः कीटों के विकास के लिए अनुकूल तापक्रम क्या होता है? कि किस तापक्रम पर जो कीट हैं
वो वृद्धि अच्छी करते हैं 10 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 22वां क्वेश्चन है कि सरसों की अगेती बुआई कर किस कीट के प्रकोप से बचा जा सकता है। तो कौन से कीट से अपने बच सकते हैं, अपने बच सकते हैं एफिड कीट से। ठीक है, 22वां क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या है, एफिड कीट। 23वां क्वेश्चन है कि जो लेडी बर्ड बीटल है, ठीक है, लेडी बर्ड बीटल किस नाशक कीट पर भक्षण करता है, तो किस पर करता है, कोटनी कुशल स्केल पर। 24वां क्वेश्चन कि संचित अनाज के भंडार गृह में, जहां पर अपने भोजन का संचयन करते हैं, संचित अनाज के भंडार गृह में किस तरह के कीटनाशकों को काम में लाते हैं। तो आपने याद रखना है एल्युमिनियम फॉस्फाइड की गोलियां। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन थे। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आपने कॉपी में लिख लेना है। इन क्वेश्चनों के बाहर जो फर्स्ट चार लेसन है, इन चार लेसनों में से जो आपके एमसीक्यू आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे जो आपने ये क्वेश्चन पढ़े हैं, 26 क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक कॉपी में लिख लो और इनको 2-3 बार आप रिवाइज करो। ठीक है, आपको याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी उसमें अपने 5वें से लेके जो आपका 8वां लेसन है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उन पर अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, उतने में आप इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन है उनको आप एक कॉपी में एक साथ लिख लें और उनको आप याद करें, उनकी आप प्रैक्टिस करें 2 से 3 बार। थैंक यू।